तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, जो चार गियर हो ना जिस ट्रैक्टर में, जैसा कि हाइलो का ट्रैक्टर है और उसमें आपको चार गियर मिल रहे, कुछ कंपनी भाई जो है थ्रेड की देव भी, उन्हें शर्म करनी चाहिए, उनके ज़माने जा चुके, किसान बहुत परेशान हो। और इसका जो टॉर्क है, बहुत भाई जो है टॉर्क के बारे में पूछते रहे, तो टॉर्क है भाई इसका 2 क्विंटल 10 किलो ज़्यादा वजन में आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भाई आज पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर, ये जो रोड है भाई अंदर मुजफ्फरनगर में जा रहा इधर और इधर जा रहा भाई, ये भोपा भोपा रोड पे मुजफ्फरनगर में, ये भाई सोलिस यानमार की एजेंसी है और नोनू एग्रो मशीनरी कलेक्शन के नाम से मुजफ्फरनगर। ये जो है भाई डीलर का फ़ोन नंबर है, अगर किसी भाई को इंक्वायरी करनी तो इस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। और आज रिव्यू करेंगे भाई 1642-15 का, ये है भाई 1642-15। और इस वीडियो में भाई आपको इस ट्रैक्टर का प्राइस और इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर वगैरह सभी कुछ आपको भाई बताऊंगा। सबसे पहले भाई इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन जो है इसमें आपको 43 HP का मिलने वाला भाई, और 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। और इंजन के जो रेटेड RPM है वो है भाई 1800। और इसका जो टॉर्क है, बहुत भाई जो है टॉर्क के बारे में पूछते रहे, तो टॉर्क है भाई इसका 196 Nm का। और एयर क्लीनर जो है भाई वो आपको इसके अंदर मिलने वाला है ड्राई, यहाँ से जो है ना प्रेस करके और ऐसा खुल जा भाई, ये देख लो, दो ये दे रखे भाई इसमें सोकर, बोनेट को ऊपर उठा दें पूरा। और यहाँ पे जो है भाई पावर स्टीयरिंग जो है दोस्तों इसमें आपको ये मिलेगा भाई सिंगल एक्टिंग, और इसका जो फ्लूड का रिजर्वायर है ये भाई अलग दे रखा। और माइको बोस का इसके अंदर जो है भाई आपको FIP मिलेगा। उसके बाद में भाई ये देख लो फ्रंट में जो है बैटरी है भाई, और काफ़ी गहरे में है भाई बैटरी। और ये जो है भाई यहाँ पे ड्राई एयर क्लीनर हो गया, ड्राई एयर क्लीनर का होना बहुत ज़रूरी है भाई, इसकी फिल्ट्रेशन क्षमता जो है ना वो ज़्यादा हो भाई उससे जो ऑयल वाला हो। और ये अल्टरनेटर हो गया भाई इधर, और यहाँ पे जो है भाई ये हो गया आपका पंप हाइड्रोलिक का प्लस स्टीयरिंग का। और बोनेट करते हैं बंद भाई, एक फ़ायदा तो है दोस्तों, जैसे ये ट्रैक्टर है ना इनमें भाई वजन बहुत है आगे, मतलब अगर आप इसी सेगमेंट के अदर ट्रैक्टर देखते हो तो इनमें जो है भाई इतना वजन नहीं मिलता जितना इनमें है। ये देखो इसका कितना मजबूत बना रखा है भाई, टोटल वेट भी आपको बताऊंगा, तो वजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फिर भी आपका काम नहीं चलता तो भाई इसमें जैरी कैन वेट भी लग जा। और ये यहाँ पे जो है भाई सोलिस की जो है बैजिंग हो रही, और ये हेडलैम्प देखो इसके बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ से भी जो है इसमें एयर जागे अंदर और वहाँ से भी भाई, यहाँ से भी एयर मतलब सर्कुलेट होती रहेगी जिससे कि इंजन जो है गर्म ना हो। फ्रंट एक्सल जो है भाई इसमें आपको रिग्ड मिलेगा। और ये जो है दोस्तों भाई सिंगल क्लच मॉडल है, मतलब अगर आप चाहो इसमें ड्यूअल क्लच भी ले सकते हो। ये ट्रैक्टर जो है फिलहाल सिंगल क्लच के साथ में है। और यहाँ पे जो है भाई इसका टूल बॉक्स दे रखा। और ट्रांसमिशन की बात करें भाई इसके, तो इसके अंदर जो है भाई आपको दिखाता हूँ, 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स गियर मिलेंगे भाई इसके अंदर आपको। ये रहा भाई लो और हाई, इधर यहाँ पे देखो ये लो का हाई का, और रिवर्स जो है भाई रिवर्स भी यहीं पे है इसमें, इधर से आप इसे रिवर्स गियर इसका लगा सकते हो। यहाँ पे देख लो इसमें आपको 5 गियर मिलेंगे जैसे कार में हो ना भाई, 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, जो चार गियर हो ना जिस ट्रैक्टर में, जैसा कि हाइलो का ट्रैक्टर है और उसमें आपको चार गियर मिल रहे, तो भाई सफिशेंट नहीं रहते चार गियर, 5 गियर होना बहुत ही ज़रूरी है। या 4 गियर है तो हाइलो मीडियम ट्रैक्टर होना चाहिए, फिर 4 गियर में बहुत दिक्कत रहे। और ये जो है भाई लो और हाई है, मीडियम इसमें है नहीं। और 10 फॉरवर्ड की स्पीड मिलेगी आपको, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मतलब जोन से भी गियर में इधर ट्रैक्टर पड़ा रहेगा ये। और ये जो है जब इसे रिवर्स में डालोगे आप तो रिवर्स में भी आपको 5 ही स्पीड मिलने वाली है पीछे की, तो ये फ़ायदा है भाई।
ये इसका भाई स्टीयरिंग का डाया आप देख लो, ज़बरदस्त है। इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है भाई डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन है और क्रोम का यूज़ कर रखा है। ये जो चमकनी सी आपको दिखाई दे रही ना, ये है भाई क्रोम। क्रोम की शुरुआत जो है भाई इसी कंपनी ने करी ट्रैक्टरों में। और ये फ्यूल टैंक देख लो भाई आप इसका, इसमें भी आपको यहाँ पर जो है लॉक है भाई ये, और जो है यहाँ पर भी ये क्रोम दे रखी। और इसके फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है भाई वो है 55 लीटर की, 55 लीटर डीजल आप इसमें भर सकते हो। फ्रंट टायर जो है भाई आपको इसमें मिलेंगे 616 के MRF के टायर दे रखे। रियर टायर जो है भाई ये हैं 13/6/28 के। और इसमें जो है दोस्तों फोर व्हील ड्राइव मॉडल भी अवेलेबल है। फोर व्हील ड्राइव में आपको फ्रंट टायर मिलेंगे 8/18 के। जो भाई फोर व्हील ड्राइव लेना चाहते हैं तो फोर व्हील ड्राइव भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं भाई डायमेंशन की, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊँचाई और वजन दोनों का आपको बताऊंगा भाई। वजन जो है फोर व्हील का भी और टू व्हील का भी। ये जो है भाई टू व्हील में इसमें है 20 क्विंटल 70 किलो वजन, मतलब 43 HP का ट्रैक्टर है और उस हिसाब से वजन जो है बहुत ही बढ़िया है भाई। व्हील बेस है इसका 1970 mm का और भाई जो है लंबाई है 3620 mm। ये 3620 mm जो है भाई वहाँ तक है। ये जो लग रहा है आपका फ्रंट में जो है ना ये वेट लग रहा है यहाँ तक इसे मिला के। और भाई चौड़ाई है 1800 mm की। और जो इसका फोर व्हील ड्राइव मॉडल है भाई उसका वजन है 22 क्विंटल 80 किलो, मतलब ये मान लो आप 2 क्विंटल 10 किलो ज़्यादा वजन में आपको मिलेगा इसके फोर व्हील ड्राइव मॉडल में। इतना ही अंतर हो भाई कम से कम जो है। पीछे से आप देख लो भाई इसमें जो है आपको, अगर इसके पीटीओ की बात करें 540 लाइव पीटीओ आपको इसके अंदर मिलेगी। जो रियर एक्सल है ये भाई स्ट्रेट मिलेगा आपको। और जो स्टे बार है ना भाई ये साइड की, ये आपको थ्रेड की नहीं मिलेगी, टेलीस्कोपिक मिलेगी। कुछ कंपनी भाई जो है थ्रेड की देव भी उन्हें शर्म करनी चाहिए, उनके ज़माने जा चुके, किसान बहुत परेशान हो। और यहाँ पे जो है भाई आपको ये है सिंगल डीसी भी मिलेगा। और जो ड्यूअल क्लच मॉडल है उसमें आपका भाई डबल आओगा, मतलब अगर किसी भाई को सिंगल चाहिए तो पैसे कम हो जा और एक ही ये मिलेगी आपको डीसी। ये इसका लीवर है भाई यहाँ पे। और भाई इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है दोस्तों वो है 20 क्विंटल की। कैटेगरी 2 के जो इम्प्लीमेंट है वो इसमें अटैच होंगे। ADDC है, ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल। और भाई जो ब्रेक है वो है इसमें OIB। और अब आपको बताता हूँ इसकी जो रोड स्पीड है भाई ट्रैक्टर की, वो है 37.2 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी केवल 1800 RPM पे। और जितने कम RPM होंगे भाई इंजन की घसाई जो है उतनी ही कम होगी। तो ये था भाई 46-42-15 का रिव्यू। और इसकी जो कीमत है दोस्तों वो मैं कमेंट बॉक्स में भाई पिन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।